The marathon live, Facebook live marathon on the occasion of Dr. Samuel Hahnemann's birthday, a World Homeopathic Day. आज मैंने decide किया है कि पूरे दिन भर लोगों को educate करूं, because education is very very important and I am going to educate you about not theory but the practical. I will be educating you about the real treatment and I will be also exposing some secrets. और ये आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए बहुत मदद करने वाले हैं और कुछ डिजीजेस इसी में कवर होने वाले हैं, उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ हद तक कैंसर का भी पार्ट इसमें कवर होने वाला है. लेकिन कैंसर पर मैं एक अलग से लाइव जाने वाला हूं, तो ज्यादा कैंसर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी टाइम है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करने का. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग बैक योर हेल्थ to near normal or completely normal. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको chronic pancreatitis है और अगर आपको सही में इसका इलाज करना है, तो ये Facebook live आपके लिए ऐसा समझ लीजिए कि संजीवनी के रूप में काम आएगा. और आपको इलाज नहीं करना है, आपको वही गोलियां खानी है जो आप temporary control के लिए अभी खा रहे हैं, तो शायद ये live आपके लिए ज्यादा काम में आएगा. जी हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कंट्रोल के सारे मेजर्स करते हैं. मेजॉरिटी आप देखेंगे कंट्रोल करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं. दर्द हुआ, दर्द की गोली लेके उसे कंट्रोल कर दिया. कोई भी चीज हुई, वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग की गोली लेके उसे कंट्रोल कर दिया. अभी मैं सिर्फ पैनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड बातें करूंगा. सो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग टेम्पररी कंट्रोल के पीछे पूरी की पूरी लाइफ दे देते हैं. क्या ये टेम्पररी कंट्रोल पूरी लाइफ देना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्योंकि टेम्पररी कंट्रोल नाम के जैसा ये टेम्पररी ही होता है. अभी मैं आपके लिए स्टडी कर रहा था, आई वाज डूइंग रिसर्च, तो मैंने एक साइट ओपन की जो पैनक्रियास के लिए वन ऑफ द बेस्ट साइट है. मैं आपको साइट का नाम भी बता सकता हूँ, नो डाउट अबाउट इट, जस्ट ए मिनट. इट इज द नेशनल पैनक्रियास फाउंडेशन. आई वॉज जस्ट स्टडिंग कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, मैंने सोचा चलो वही से शुरुआत करते हैं. अगर आपको कुछ बताना है तो पहले ये देखते हैं कि आप कहां से जानकारी लेते हैं. तो मैं वहां का सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ूंगा आपके लिए. एक बड़े से लेटर्स में वहां लिखा है होप, वो रिबिन है पैनक्रियाटाइटिस की, वहां लिखा है HOPE, होप. और जो नीचे पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ होपलेसनेस. होप लिखा हुआ है, उसके बाद डेफिनेशन का पहला सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, राइट, दैट डज नॉट हील और इंप्रूव. सो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास दैट डज नॉट हील और इंप्रूव. It gets worse over time and leads to permanent damage. अब देखिए, मैं आपको दिखा सकता तो दिखा देता, इतने बड़े लेटर में होप लिखा हुआ है, HOPE, और पहला सेंटेंस इज कंप्लीट होपलेसनेस कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास विच डज नॉट हील. मतलब लिख दिया डज नॉट हील और इंप्रूव, डज नॉट हील और इंप्रूव. It gets worse and worse and worse, leading to a permanent damage. अब मुझे बताइए, one of the authority, I'm not absolutely criticizing them or blaming them, but that authority is showing you the mirror. वो authority आपको आईना दिखा रही है कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है. The allopathic science as such does not have the treatment for this, treatment to heal or treatment to improve. Control के लिए amazing, control के लिए सारे methods है. मतलब अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एक pain killer ले सकते हो, दूसरा ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, तो आप ये सब कर सकते हो. But heal करना है या improve करना है position, there is no treatment. So the one of the highest authorities in pancreas, the National Pancreas Foundation,
पहली लाइन में बोलता है कि ये हील नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, इनफैक्ट ये वर्स होगा और परमानेंट डैमेज होगा। क्या उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं लिख दिया है कि वी आर हियर टू कंट्रोल एंड हेल्प यू? मतलब इसे मैं पॉजिटिवली अगर लिखना चाहूंगा, सो वी आर हियर टू कंट्रोल एंड हेल्प यू, वी कैन नॉट क्योर, वी कैन नॉट रिवर्स, वी कैन नॉट हील। सो पहले सेंटेंस में लिखा गया है कि अगर आपको ठीक नहीं होना है, सिर्फ कंट्रोल करना है, तो हमारे पास आइए, और अगर आपको हील करना है, इंप्रूव करना है, रिवर्स करना है, क्योर करना है, या आपकी बीमारी से मुक्ति चाहिए, तो हमारे पास मत आइए, हमारे अलावा और कुछ देखिए। सो द रियलिटी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस स्टार्ट्स राइट इन द फर्स्ट लाइन, और यहां बहुत क्लियरली बताया गया है कि इसका इलाज नहीं है, जो भी कंटेम्प्रेरी साइंस है इसका इलाज वहां पर नहीं है। दूसरा, मैंने एक बार कोशिश की, चल कॉजेस पे बाद में आते। सो अगर आपको हीलिंग चाहिए, मैं सपोज हजारों लोगों के सामने खड़ा हूं, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस सबको, और मैं सबको पूछ रहा हूं आप में से कितने लोगों को ठीक नहीं होना है, तो क्या लगता है कितने लोग हाथ उठाएंगे? एक भी नहीं उठाएगा। मैं पूछता हूं कितने लोगों को रिलीफ चाहिए टेम्पररी, तो शायद 60-70% हाथ तो उठ ही जाएंगे। और मैं पूछता हूं अगर कितने लोगों को ठीक होना है, तो फिर बताइए कितने हाथ उठेंगे। एक्चुअली ठीक सबको होना है, बट क्या हम ठीक होने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार है? नो। अगेन, मैंने पिछले लाइव में एक एग्जांपल दिया था, वो जो एग्जांपल देते समय जो मैंने वो क्रिएटिवली बताया, मुझे भी बहुत पसंद आ गया एग्जांपल, तो मैं यहां रिपीट करना चाहूंगा। आपको एक डेस्टिनेशन पर जाना है और आपकी जिद है कि आपको ट्रेन से ही जाना है, ठीक है? जैसे आई हैड बीन टू तरकारली, एक बीच है कोकन, तो मुझे ट्रेन से ही जाना है। सो मेरा डेस्टिनेशन तैयार है, तरकारली जो भी बोलिए, ठीक है? सो तरकारली जाना पक्का है और ट्रेन से जाना ये भी पक्का है। अब देखिए मजे की बात, देखिए आपका डेस्टिनेशन पक्का है और जाना आपको ट्रेन से ये भी पक्का है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ट्रेन तरकारली जाती ही नहीं है, देयर इज नो ट्रेन टू तरकारली, और आपको ट्रेन से ही जाना है। तो सोचिए वहां पर जहां आपको जाना है वहां ट्रेन जाती नहीं है, आपको ट्रेन छोड़नी नहीं है, सिंपल कंक्लूजन निकलेगा आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। If you are not ready to change the vehicle, you will never reach your desired destination. बस पूरे दुनिया में यही हो रहा है, because लोगों को destination चाहिए, सर ठीक होना है, बैठना कौन सी ट्रेन में है, जो ट्रेन वहां पहुंचाती नहीं उस ट्रेन में सबको बैठना है। अब मुझे बताइए इलाज कैसे होगा? सब मैं ऐसी जिद करके बैठ जाऊं कि मुझे मुझे जाना है तरकारी, लेकिन मुझे ट्रेन तो छोड़नी ही नहीं, मैं ट्रेन में ही बैठा रहूंगा और मुझे तरकारी जाना है, सोचिए क्या मैं पहुंचूंगा कभी? नेवर एवर। चलिए मुझे जाना है अमिताभ बच्चन से मिलने जाना है और ट्रेन से जाना है, चेंज नहीं करना है, मुंबई पहुंचने के बाद भी चेंज नहीं करना है, वहां से मैं टैक्सी लेने में नहीं जाऊंगा, मैं कोई दूसरा व्हीकल चेंज नहीं करूंगा, मुझे वो ट्रेन से ही अमिताभ बच्चन के घर पहुंचना है। हंसी आएगी ना आपको? हाँ, हंसने लायक की बात है। देखिए हमारा डेस्टिनेशन तय होना चाहिए और उसके बाद व्हीकल डिसाइड होना चाहिए। पूरे दुनिया में अनफॉर्चुनेटली व्हीकल डिसाइडेड है, पूरी दुनिया में प्राइमरीली व्हीकल डिसाइडेड है, सबको एलोपैथिक मेडिसिन से लेना है, व्हीकल डिसाइडेड फाइनल, लेकिन डेस्टिनेशन, अरे वो व्हीकल उस डेस्टिनेशन पे जाता ही नहीं है,
तो आपको इतना ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा कि आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने जिद कर ली कि मुझे अमिताभ बच्चन के घर में जाना है और ट्रेन से जाना है, इस जन्म में नहीं पहुंचूंगा मैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर के सामने तक ट्रैक तो कभी जाएगी ही नहीं। मुझे तरकरली जाना है, मुझे कोकण के किसी बीच पे जाना है और मैं जिद पे मुझे तो ट्रेन से जाना है, नहीं उतर तो मुझे प्लेन से जाना है, मुझे फ्लाइट से जाना है कोकण के बीच के ऊपर, मैं बीच में कुछ चेंज नहीं करूंगा, ये मेरी जिद है। आई एम मैनियक अबाउट ट्रेन, कि मुझे ट्रेन से ही जाना है, मैं जहां मर्जी जाऊंगा, मुझे प्लेन से ही जाना है, जहां मर्जी जाऊंगा। चलिए दो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं और मेरा दोस्त, मुझे ट्रेन से ही जाना है और मेरे दोस्त को प्लेन से ही जाना है। अब जाना कोकण बीच है, अब कोकण के खूबसूरत से बीच में अगर हमें जाना है और हमें ट्रेन और प्लेन से ही जाना है, इसका पता है सीधा मतलब क्या निकलता है, हम वहां कभी नहीं पहुंचने वाले। और यही पूरी दुनिया में हो रहा है आज, लोगों को इलाज बोलूंगा, लोगों को ठीक होना है, इलाज चाहिए, लेकिन बैठना उसी एक ट्रेन में है जो ट्रेन वहां पर नहीं जाती। मेरे ख्याल से आप इतना भी पार्ट अगर समझ गए तो आपको पता है कि आपको अगर ऐसी जगह जाना है जहां वो ट्रेन नहीं जाती, तो समझदारी है आप ट्रेन को छोड़ के आपको दूसरी चीजों का, दूसरे व्हीकल्स का इस्तेमाल करते आना चाहिए। इतना ओपन माइंडेडनेस आपके पास होना चाहिए। एंड हियर आई प्रपोज कि आपने वहां पर ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, आपको एक टैक्सी करनी पड़ेगी और टैक्सी आपको जहां भी मर्जी है लेके जाएगी, और शायद उस बीच पे थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली आपके कॉटेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेन नहीं छोड़ना ऐसा डिसाइड किया, तो फिर शायद ही आप कभी उस जगह पर पहुंच पाएंगे। हम ट्रैवलिंग में करते हैं, हम ट्रैवलिंग में जहां तक ट्रेन पॉसिबल है, ट्रेन जाती है, वहां तक ट्रेन से जाते हैं, फिर जहां नहीं होती है वहां ट्रेन हम छोड़ देते हैं, और वहां ढूंढते कि दूसरा कौन सा व्हीकल अवेलेबल है। डेस्टिनेशन तय है, हम डेस्टिनेशन नहीं छोड़ते, हम डेस्टिनेशन चेंज नहीं करते, हम व्हीकल चेंज करते हैं। मेडिकल साइंस में हम व्हीकल चेंज नहीं करते, और हम डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचते। फाइनल रिजल्ट, हम कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और ऐसा ही डॉक्टर हैनिमन के ध्यान में आया। डॉक्टर हैनिमन होम्योपैथी के जनक, इनको ध्यान में आया कि ऐसे से कैसे चलेगा, लोगों को तो नया व्हीकल की जरूरत है, लोगों को एक नए व्हीकल की जरूरत है, बिकॉज पुराना जो व्हीकल है, जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, जिसे डॉक्टर हैनिमन ने नाम दिया एलोपैथी साइंस। जी हाँ, डॉक्टर हैनिमन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, इन्होंने ही एलोपैथी का एज अ एलोपैथी नामकरण किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया में जाइए, एलोपैथी टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि किसने नाम दिया है। सो डॉक्टर हैनिमन द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने नाम दिया है एलोपैथी, एलोपैथी साइंस को, बिकॉज उन्होंने स्टडी किया इस एक इंटरेस्टिंग अल्टीमेट और बहुत एडवांस व्हीकल को, अच्छे से स्टडी किया तो पता ही चला कि ये एलोपैथी नाम का व्हीकल कुछ खास चीजों के लिए बना हुआ है, कुछ खास ट्रैक पे चलता है, इनको जहां जहां रेलवे ट्रैक है बस उतने में ही ये काम का है। तो उन्हें लगा एक और व्हीकल की जरूरत है जो कहीं भी पहुंच सके, कहीं भी जा सके, और इसलिए उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया। ये वो व्हीकल है जो अगर आपका डेस्टिनेशन बीमारी को ठीक करना है, अगर आपका डेस्टिनेशन बीमारी को रिवर्स करना है, अगर आपका डेस्टिनेशन बीमारी को कंप्लीट क्योर करना है, तो फिर आपको ट्रेन वाला व्हीकल नहीं चलेगा, एलोपैथिक वाला व्हीकल नहीं चलेगा, आपको होम्योपैथिक वाले व्हीकल को यूज करना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो। बिकॉज ये जो मैंने पढ़ दिया, नेशनल पैनक्रियास फाउंडेशन पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि इट डजंट रिकवर, इट डजंट हील, इट डजंट इंप्रूव, इनफैक्ट विथ टाइम इट गेट वर्स टू क्रिएट अ परमानेंट डैमेज। अब आज काफी लोग शायद अभी लाइव पे आएंगे और सोचेंगे कि मैं पैनक्रियास के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको,
जो चीज गूगल पे अवेलेबल है मैं आपको नहीं बताने वाला, बिकॉज आप गूगल में पैनक्रियाटिक क्रॉनिक पैनक्रियाटिस डाल दीजिए, अभी आपको आ जाएगा कि पेन होता है, नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन रहता है जो कम नहीं होता क्योंकि क्रॉनिक है, क्रॉनिक चीजें कम नहीं होती, तो ये परमानेंट इन्फ्लेमेशन रहता है और इसमें फिर डैमेजेस होते जाते हैं। डैमेजेस कभी कभी सुडोसिस बनता है, कभी नेक्रोसिस बनता है, कभी हीमोरेज बनता है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि आप गूगल पे इसे कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं है, या फिर पता है लेकिन कुछ एक कवर्स आके, एक परत आके कवर करके आपको ब्लॉक कर दिया गया है। सो पहला मेरा कहना है कि अगर आपका डेस्टिनेशन, अगर आपका डेस्टिनेशन तय है तो डेस्टिनेशन मत बदलिए, सवारी बदलिए, व्हीकल बदलिए, तरीका बदलिए। हमने उल्टा कर दिया, हमने तरीका फिक्स कर दिया है। मतलब सोचो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे दुनिया में घूमना चाहता हूं लेकिन वही स्पॉट देखूंगा जहां पर ट्रेन जाती है। सोचिए कितने स्पॉट्स मुझे देखने मिलेंगे, कि कहां कहां मैं टूर के लिए जा पाऊंगा। वैसे ही अगर आपने सोचा है कि एलोपैथिक एक ही रास्ता है पूरे दुनिया में इलाज करने का, तो आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें जिंदगी में, हेल्थ में नहीं मिलने वाली, बिकॉज आपने व्हीकल डिसाइड कर लिया ना। प्रॉब्लम यही है, हमने गोल डिसाइड नहीं किया, हमने डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया, या किया है तो चेंज करने को तैयार है, हमको व्हीकल ही पसंद है, हमारा व्हीकल पे दिल आ गया है और वही एक व्हीकल हमें चाहिए। सो अभी समय आ गया है कि आपके गोल को डिसाइड कीजिए, आपके गोल को डिसाइड कीजिए, आपके व्हीकल को बाद में ढूंढ लेना। जी हाँ, आपके गोल को डिसाइड कीजिए, आपके व्हीकल को बाद में ढूंढ लेना, बिकॉज अगर आपने पहले व्हीकल ढूंढ लिया तो आपका गोल नहीं अचीव होगा। और आपने गोल पहले डिसाइड कर लिया, व्हीकल तो 10 आ जाएंगे, व्हीकल को डिसाइड मत कीजिए। सो डॉक्टर हैनीमन वॉज द फेमस एलोपैथ ऑफ हिज टाइम्स, वो उस समय के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स थे, उन्होंने सारा डीप में स्टडी किया और डेप्थ में स्टडी करने के बाद जो उनका निष्कर्ष निकला, जो उनका कंक्लूजन निकला, इट वॉज कि अगर आपको सही में ठीक होना है, अगर आपको मतलब किसी भी बीमारी को सही में ठीक करना है तो ये व्हीकल नहीं चलने वाला। ही वॉज द एक्सपर्ट इन एलोपैथी, बट उन्हें पता चल गया ये व्हीकल क्योर नहीं करने वाला, इसलिए उन्होंने एक नए व्हीकल को इजाद किया, डिस्कवर किया, एंड द होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड। और होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस या इसी तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज बीमारियां ठीक नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन। दूसरा, मैंने जब फिर से स्टडी किया कि क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के बारे में आपको बताने के लिए, तो जब मैंने स्टडी किया वहां पे है कॉजेस एंड सिम्टम, तो मैंने बोला कॉजेस तो पता होना चाहिए, है ना, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉजेस में पहला सेंटेंस पढ़ा, अगेन डिसअपॉइंटिंग, मतलब पहले सेंटेंस में सीधा सीधा लिख दिया गया है कि देयर इज नो होप। एग्जांपल, वेयर एज देयर आर कॉजेस ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस दैट आर अननोन, और ये पैनक्रियाटिस नहीं, ये मेजॉरिटी बीमारियों का सेंटेंस यही होता है। Where are there are causes of chronic pancreatitis, there are unknown. अब बताइए, आपको causes पता ही नहीं है, मतलब कारण पता नहीं तो निवारण कैसे करेंगे, कारण पता नहीं तो निवारण कैसे करेंगे। बट मुझे पता है इस पोस्ट पे भी काफी लोग आने वाले हैं जो बताने वाले, नहीं नहीं सर यही अच्छा है, यही करना चाहिए, मुझे सब पता है, मैंने सब पढ़ लिया। मतलब वो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे, बट गूगल पे सारा करके बताएंगे, सारा रिसर्च करके बताएंगे। तो उनके लिए एक मेरा मैसेज है, सबसे पहले थैंक यू कि आपने इतना रिसर्च किया, दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पोस्ट को, इस वीडियो को देखा, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद कि आपने इस पे कमेंट किया, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेकिन एक बताऊं आपको, आप जिन साइंटिस्ट के भरोसे, ये गूगल साइंटिस्ट, ये जिन साइंटिस्ट के नॉलेज के भरोसे आप यहां पर मुझे कंट्रोवर्सी करेंगे, वो साइंटिस्ट खुद आज भी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी चीजें नहीं पता। फिर जिनको काफी चीजें नहीं पता उनके भरोसे आपको सब कुछ कैसे पता, जिनको
काफी चीजें नहीं पता, उनके भरोसे आपको सब कुछ कैसे पता? सोचिए, सोचने वाली बात है। बिकॉज मैंने जब लिखा क्रोनिक पैंक्रियाटिस में, पहले लिखा है कॉजेस आर अननोन, स्टिल सेवरल फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब क्रॉनिक फैक्टर, क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के सेवरल फैक्टर्स में पहला फैक्टर लिखा गया अल्कोहल, और जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं उनको ये ज्यादा मात्रा में होता है, ये तो कोई कोई दो राय नहीं है। बट क्या अल्कोहल इकलौता कारण है? मेरे पास एक 5 साल का बच्चा है जिसे क्रॉनिक पैंक्रियाटिस है, उसने कब अल्कोहल लिया होगा? मैं भी बड़े सोच में पड़ जाता हूँ सोचते समय, तो उसने तो अल्कोहल नहीं लिया। काफी सारे लोग हैं मेरे पास, जेंट्स लेडीज दोनों, जिन्होंने अल्कोहल कभी हाथ नहीं लगाया, उनको क्रॉनिक पैंक्रियाटिस है। तो अब ये आया कहां से? तो पहले पैंक्रियाटिस का एक ही फैक्टर माना जाता था अल्कोहल, फिर धीरे धीरे पता चलने लगा, इन्हीं साइंटिस्ट को पता चलने लगा कि नहीं 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 ये एक ही फैक्टर नहीं है, इसके और भी फैक्टर है। तब फिर बाकी और कारण आए, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लर्निंग है। सो बाद में है ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो ऑटो इम्यूनिटी कैन लीड टू क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। दूसरा है जेनेटिक कॉजेस। तीसरा है जेनेटिक म्यूटेशन ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन आई हैव ब्लॉक्ड पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। तो ब्लॉक हुआ डक्ट, तो अब डक्ट क्यों ब्लॉक हुआ उसका कारण ढूंढिए। अगेन उसमें आएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर कैंसर आएगा। यस अभिजीत, अल्कोहलिज्म कैन बी वन ऑफ द कॉज, आई डोंट डिनाई। देन आएगा फैमिलियल पैनक्रियाटिस। मतलब आप देखेंगे इसमें से 6 कारण दिए हैं, 6 में से 1 कारण है सिर्फ अल्कोहल, और वो भी रिपीटेडली साबित हो गया कि हर बार वो कॉज नहीं रहता है, इट कैन बी वन ऑफ द कॉज। लेकिन साथ में मैं बता दूं, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कितने लोग अल्कोहल लेते बताइए, सोचिए। क्या सबको क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन अल्कोहल डायरेक्टली पैनक्रियाटाइटिस नहीं कॉज करता, अल्कोहल उन लोगों में पैनक्रियाटाइटिस कॉज करता है जिन लोगों के जीन्स में, अंदर के सिस्टम में टेंडेंसी है पैनक्रियाटाइटिस की। अदरवाइज अल्कोहल पैनक्रियाटाइटिस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपने सुना होगा अल्कोहल से लीवर भी फेल होता है, अल्कोहल से डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आता है, अल्कोहल से कैंसर भी आता है, अल्कोहल से गैस्ट्राइटिस भी होता है, अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्कोहल से हार्ट अटैक आता है। अब ये कैसे डिसाइड होता होगा कि कौन से पेशेंट को अल्कोहल से क्या आने वाला है, कौन डिसाइड करेगा? क्या ये अल्कोहल का ब्रांड डिसाइड करता है कि जो ऑफिसर चॉइस वाले है ना उनको सबको लीवर फेल्योर होगा, या फिर जो मुझे नाम भी ज्यादा नहीं पता, कुछ नाम लिखने में हेल्प कर दीजिए, ऑफिसर चॉइस एक और डॉक्टर ब्रांडी याद आ जाता है। चलिए कोई भी अल्कोहल, ऑफिसर चॉइस के अलावा दूसरा कोई ब्रांड पकड़े, किंग फिशर। हाँ, किंग फिशर पीने वाले की बात ही कुछ और है, ये याद आ गया मुझे। सो जो ऑफिसर चॉइस पीते हैं उनका लीवर खराब होता है, जो किंग फिशर लेते हैं उनको पैनक्रियाटाइटिस होता है, या और कोई एक नाम आ जाए, डोंट रिग्रेट। ओके, सो ऑफिसर चॉइस से लीवर फेलियर होता है, किंग फिशर से पैनक्रियाटाइटिस होता है, ऐसा कुछ है? या फिर कोई विस्की लेते हैं अगर, तो विस्की इज रिस्की, तो वो विस्की इज रिस्की, उससे हार्ट अटैक आता है। या फिर कोई रम लेता है, रम से गम आता है, मतलब डिप्रेशन आता है, क्या ऐसा कोई रिलेशन है? डू यू फाइंड एनी सच ऑफ रिलेशन? नो। स्मर्नॉफ, यस या थैंक यू। वोडका, हाँ, तो वोडका लेने वाले को सपोज हार्ट अटैक आता है, विस्की लेने वाले को हार्ट फेलियर होता है, देन स्मर्नॉफ लेने वाले को इसोफेजियल वराइसिस होते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। सो इतने सारे ब्रांड्स है, क्या ब्रांड्स के साथ साथ बीमारी रिलेटेड है? नो। आप बाहर से क्या ले रहे हो, यू आर टेकिंग स्मर्नॉफ, डजंट मैटर, व्हाट टेंडेंसी यू कैरी मैटर्स मोस्ट। तो अगर आपको किसी भी तरह का, या ब्लैक लेबल, चलो आप ब्लैक लेबल लेते हैं,
तो ब्लैक लेबल से कौन सी बीमारी, कौन लंग फेलियर होता है, ब्लैक लेबल से लंग फेलियर होता है, क्या हम ऐसा लेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काफी लोगों को तो ऐसे नाम लिखते लिखते भी मजा आ गया होगा और लग रहा होगा कि यार कहां लॉकडाउन में सर याद दिला रहे है ना। बड़ा आपके साथ एक छोटी सी न्यूज भी शेयर कर रहा हूं मैं कि अल्कोहल से ये सब नहीं होता, अल्कोहल से ये सब तब होता है जब आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में इसकी टेंडेंसी इक्वली हो, तब होता है। टेंडेंसी होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक लेबल, ये स्मर्नॉफ, ये वोडका, ये किंग फिशर, ये ऑफिसर चॉइस, ये अपने आप में ये सारी बीमारी करने के काबिल नहीं है। हाँ, अति करो तो आपके जीन्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हैबिट कैन इन्फ्लुएंस योर जेनेटिक एक्सप्रेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। जिसपे मैं कैंसर के समय बात करने वाला हूं एपिजेनेटिक्स में, सो उसमें भी जरूर आइएगा। सो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के आप देखेंगे 6 कॉजेस में से एक कॉज है हेवी अल्कोहल यूज, वो भी अल्कोहल यूज नहीं, हेवी अल्कोहल यूज। अब मुझे बताइए, हेवी अल्कोहल वालों को लीवर पहले खराब होगा या हार्ट अटैक आएगा या ब्लड प्रेशर होगा या पैनक्रियाटाइटिस आएगा, मतलब क्या आएगा पहले, अब ये कौन डिसाइड करेगा? सोचिए, बताइए, चलिए टाइप कीजिए, कौन डिसाइड करेगा कौन सी बीमारी पहले आएगी? हु विल डिसाइड? कम ऑन। सो हु विल डिसाइड? क्या आपके पास चॉइस होता है? चॉइस नहीं होता आपके पास, बिकॉज ये डिसाइड होते हैं आपके अंदर के फैक्टर्स के द्वारा, ये डिसाइड होते हैं आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर सिस्टम के डिफेक्ट्स के द्वारा कि आपको किस तरह की बीमारी आएगी। साथ में ये डिसाइड होता है, अब यहां कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि माइंड का कोई रोल है, बिकॉज सी एक्सपर्ट्स कितना भी बोले कि मोस्ट डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक, अब जैसे साइकोसोमैटिक ये वर्ड आएगा लोग बोलेंगे सर जो जितना पता कर सकते हैं ना फिजिकल टेस्ट या रिसर्च से बस उतना ही माना जाता है। तो चलिए एक आपको एक टेस्ट देता हूं। यस, अच्छा, अजय कुमार सेज डॉक्टर विल डिसाइड। नो अजय कुमार, हाउ कैन डॉक्टर डिसाइड कि आपको बीमारी कौन सी हो? आपको डॉक्टर कैन नॉट डिसाइड। अभिजीत सेज जीन्स। यस अभिजीत, जीन्स कैन डेफिनेट डिसाइड, जो टेंडेंसी जीन्स कैरी करेंगे वो बीमारी आपकी फ्लेयर अप होगी। ये अल्कोहल इज अ ट्रिगर, अल्कोहल इज अ ट्रिगर एंड डिजीजेस आर फ्लेयर्ड बाय द सिस्टम इनसाइड। मिस्टर अरुण प्रकाशम से जॉन्डिस, सी जॉन्डिस अगेन एक इफेक्ट है, जॉन्डिस इज नॉट द कॉज, राइट? आज जॉन्डिस का नहीं है, आज जैसे मैंने 4 टॉपिक्स लिए, मैं इसके बाद लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और डिप्रेशन इस पे स्पेसिफिकली लाइव जाने वाला हूं। सो आई विल डिसाइड अ डे एंड लेट यू नो। सो आपके जितने भी कॉजेस है ये सारे के सारे अननोन है, हिडन है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। अब मैं पैनक्रियाटिस के ट्रीटमेंट में अगर जाऊं तो सबसे पहला तो लिख दिया कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, फिर रेस्ट फॉर द पैनक्रियास, मतलब लेट पैनक्रियास रेस्ट, रेस्ट RIP नहीं, रेस्ट इन पीस नहीं, लेट पैनक्रियास टेक रेस्ट एंड होप इट रिकवर्स ऑटोमेटिकली। पहला ही सेंटेंस लिख दिया है नेवर रिकवर्स, फर्स्ट सेंटेंस रिटन इट नेवर रिकवर्स, बट स्टिल द ट्रीटमेंट इज कि पैनक्रियास को आराम दो, खाना पीना बंद कर दो, राइस स्ट्रिप डाल दो, जो भी कंटेंट आ रहा है उसे बाहर निकाल लो एंड एंजाइम्स दे दो। दर्द ज्यादा है तो आप इंजेक्शन दे दो। हियर आई रिमेंबर वन पेशेंट, बहुत सारे, सी वी आर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, बट आई रिमेंबर वन वेरी स्पेसिफिक पर्सन। इनको करीबन 8-9 साल से पैनक्रियाटाइटिस है, बोलू चलो है, ये 8-9 साल से जगह जगह इलाज कर रहे हैं एंड ही इज हिमसेल्फ अ रिसर्चर, तो बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने एंड ही वेंट टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स। सो ही वेंट टू एशियाज बिगेस्ट हॉस्पिटल और वहां जाके भी एडमिट रहे, वहां जाके उनको पता चला कि उनका पैनक्रियाटिस और पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक है, पैनक्रियाटिस बहुत सीवियर है,
काफी सारे एरिया में नेक्रोसिस हो गया है और कहीं पर ग्रोथ भी है एंड विच इज सस्पेक्टेड एज अ कैंसर. राइट, यस अजय कुमार, राइट. दे विल गिव एंजाइम्स, एंटासिड्स एक्सेट्रा. सो एंजाइम्स, एंटासिड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी पेन किलर्स एक्सेट्रा. तो वो पर्सन बेस्ट हॉस्पिटल में गए, वहां जाने के बाद उनको पता चला कि उनकी पैनक्रियाटिक ब्लॉक है एंड ही इज हैविंग अ कैल्सिफाइड पैनक्रियाटाइटिस, साथ में नेक्रोसिस है और साथ में एक जगह ऐसा दिख रहा है कि शायद कैंसर की शुरुआत भी हो चुकी है और मल्टीपल स्ट्रिक्चर्स भी है. तो डॉक्टर सजेस्टेड कि स्ट्रिक्चर है, ऑपरेट करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली ही सेड कि चलो एक ही व्हीकल है उनके पास, उनको दूसरा व्हीकल तो पता ही नहीं है हमें, है ना. ट्रैवलिंग में वी यूज मल्टीपल व्हीकल्स, हेल्थ केयर में वी यूज ओनली वन व्हीकल अनफॉर्चुनेटली. तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं ऑपरेशन. तो ऑपरेशन कर लिया गया, स्टेंट वॉज पुट ऑन, जहां पे देखिए जहां स्ट्रिक्चर था वहां स्टेंट डाल दिया. क्या बीमारी का कोई इलाज हुआ? नहीं. क्या पैनक्रियाटिस का कोई इलाज हुआ? नहीं. क्या वो कैंसर जैसा दिख रहा उसका कोई इलाज हुआ? नहीं. क्या नेक्रोसिस है उसका कोई इलाज हुआ? नहीं. क्या कैल्सिफिकेशन उसका कोई इलाज हुआ? नहीं. मतलब इलाज कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्यूब बंद थी उसके जगह दूसरा स्टेंट डाल दिया गया, दैट्स इट. ट्यूब को ओपन कर दिया गया. लेकिन आप ये भूल गए कि ट्यूब को ओपन करते समय ये नहीं देखा गया कि ट्यूब को बंद करने वाले फैक्टर्स अंदर ही बैठे है. ट्यूब को बंद करने वाले फैक्टर्स अंदर ही बैठे है. 3 महीने में, 1.5-2 महीने में फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, पेन बढ़ना शुरू हुआ. एंड पेन बढ़ने के बाद वो फिर से गए, उनको फिर से पता चला कि फिर से ब्लॉक आ गया है जहां स्टेंट डाला था उसके बाजू में. फिर से ऑपरेशन करना पड़ा, फिर से स्टेंट डालना पड़ा. 1.5-2 महीने बाद फिर से सेम, फिर से ऑपरेशन. ऐसे करते हुए 4 सर्जरीज हुई. कितनी सर्जरीज हुई? 4 सर्जरीज. और पिछले 2 साल में रोज सुबह और शाम पेन किलर का इंजेक्शन ले रहे हैं वो. स्टिल उनका पेन कम रहता है, टॉलरेबल रहता है, गायब नहीं होता. सो अगर 2 साल से इंजेक्शन ले रहे हैं, देखिए किडनी उधर खतरे में है, किडनी खत्म हो सकती है, यहां पेन भी रिलीफ नहीं है और ये इलाज भी नहीं है. मतलब इलाज करते समय नुकसान हो चलेगा, ये इलाज भी नहीं है और किडनी खराब होने का कंफर्म गारंटी है. अब बताइए क्या करना चाहिए? और 2 साल से क्यों नहीं हुआ उसे किडनी खराब? शायद टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी. अब धीरे धीरे जबरदस्ती किडनी खराब होगी. टेंडेंसी स्ट्रांग होती तो अब तक तो किडनी खराब हो चुकी रहती. तो चलिए बैक टू द केस. 2 साल से रोज सुबह शाम इंजेक्शन ले रहे वो, एंजाइम्स ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं पेन किलर के, एंड रिजल्ट इज 0. 2 साल में एक दिन भी उन्हें याद नहीं कि उनका पेन नहीं है. तो उन्होंने भी वीडियोज देखे एंड सी, मैं वीडियोज क्यों बनाता हूं, किसी की जिंदगी बदल जाती है इससे. इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो को शेयर करना चाहिए. पता नहीं आपके कारण किसकी लाइफ बदल जाए. बिकॉज जितने ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगा कि डेस्टिनेशन मत बदलिए, व्हीकल बदल दीजिए, बस इतना छोटा सा नॉलेज आपने अगर स्प्रेड कर दिया तो शायद आप किसी के बेटे को, किसी के पापा को, किसी के फैमिली मेंबर को, उनकी जान बचा लेंगे आप. सो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिए, पेज को फॉलो कीजिए, आपको ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना चाहिए. अदरवाइज यूट्यूब का जो बेसिक मॉडलिटी चेंज हो चुकी है, अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये वीडियोज नहीं दिखते हैं. सो वो पेशेंट ने काफी सारे वीडियोस देखे एंड वीडियोस देखे उनको दिखा कि अब समय आ गया है कि व्हीकल चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि ये तो मैं सब कर रहा हूँ, ये मैं सब कर रहा हूँ 8-9 साल से एंड रिजल्ट देख रहा हूँ कि जो हालत है बद से बदतर होते जा रही है, अभी तो कैंसर का भी चांस है. तो वो हॉस्पिटल से सीधा नागपुर आए मुझे मिलने के लिए, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए. जब वो नागपुर आए, गूगल के PhD थे वो भी, काफी सारा गूगल पे पढ़ा हुआ था, काफी सारा गूगल पे रिसर्च किया हुआ था, तो उनको पता था कि पैनक्रियाटिस कुछ नहीं हो सकता. एंड जब मैंने कहा कि बीमारी है साइकोसोमेटिक होती है, तो उनको अंदर से मतलब हंसी आ गई, उनको वो हंस दिए. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर आपके काफी सारे वीडियोस देखे लेकिन सॉरी मुझे ना अभी तक भरोसा नहीं हुआ है
कि बीमारी है साइकोसोमेटिक होती है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऑनेस्टली बता दिया। तो मैंने कहा ठीक है, आई वॉज डूइंग एन एक्टिविटी थी, बोला ठीक है आप चलिए आंखें ओपन के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। मैंने कहा आपका पेन सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? उन्होंने कहा कि सब जब भी पेन होता है तो फिर सब काम छोड़ के बस उसी की तरफ ध्यान रहता है तो वो बढ़ते जाता है। और कम कब होता है? सर कम तो नहीं होता सर, मैं 2 साल से मतलब 2 साल से तो मैंने सुबह शाम इंजेक्शन की बिना एक भी दिन नहीं गया मेरा, मतलब फिर भी थोड़ा कम कब लगता है? तो उसने कहा सर अगर दर्द हो रहा है ना, लेकिन जब दोस्त आ जाए फ्रेंड्स आ जाए और थोड़ा सा हो हल्ला मस्ती करते हैं ना तो पेन उस समय महसूस ही नहीं होता है। मैंने क्यों? तो बोले सर एक्चुअली फिर माइंड का ध्यान यहां नहीं होता। मैंने मतलब? बोले सर अगर यहां पर ध्यान नहीं है तो पेन नहीं होता है। मैंने रिवर्स क्या है इसका? बोले मतलब यहां ध्यान है तो पेन होता है। मैंने कहा बीमारी का माइंड से रिलेशन है कि नहीं है? इट वॉज एन आई ओपनर। उनका यस सर रिलेशन तो है। मैंने कहा नहीं नहीं लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूं रिलेशन नहीं है, बट आप मुझे प्लीज प्रूव कीजिए कि आप जब माइंड इस पे नहीं है ध्यान दूसरी तरफ है तो पेन कम कैसे होता है, इसको प्लीज समझाइए। आप गूगल पे देखिए सर्च कीजिए मुझे प्लीज समझाइए। उनका नहीं सर बात तो सही है, माइंड के साथ रिलेशन है। मतलब अगर आपका छोटा सा डाइवर्ट होना, अब ध्यान से सुनना, आपका छोटा सा डाइवर्ट होना पेन को रिलीव कर सकता है, तो अगर आप परमानेंटली डाइवर्ट हो गए तो पेन का क्या होगा? उन्होंने कहा सर थोड़ा डाइवर्ट होने से थोड़ा पेन कम होता है, पूरा डाइवर्ट हो गया तो पूरा पेन कम हो जाएगा। मैंने कहा आई डोंट नो, लेकिन मतलब कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले यस सर इट इज अमेजिंग, कोशिश तो करना चाहिए। सो हमने केस स्टडी किया उनका और उनको मेडिसिन दिया, और मेडिसिन के देने के साथ साथ उनके माइंड पे वर्क किया, माइंड को रीप्रोग्राम किया कंप्लीटली, एंड माइंड को रीप्रोग्राम करके जो एक अलग माइंडसेट को इंस्टॉल किया। वी डू ऑल काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स बिकॉज वी आर वॉट एवर इट टेक्स पीपल, जो भी करना पड़े जो भी व्हीकल अपनाना पड़े हम अपनाते हैं, लेकिन बीमारी को रिवर्स करना और खत्म करने का डेस्टिनेशन नहीं बदलते, नहीं बदलते। आपका अगर डेस्टिनेशन क्योर करना है, रिवर्स करना है, ठीक होना है, देयर इज नो बेटर वे देन कमिंग टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को पहली बार लगा कि कुछ करना चाहिए, वो तो आया था कोई उम्मीद कोई चांस ही नहीं था इसलिए वो आ गया, कोई ऑप्शन नहीं था परेशान होके आ गया, बट बिलीफ कितना था? जीरो। There was no belief at all, and he was actually laughing. जब मैं कर रहा हूँ वो मुझ पे हंस रहा है, और हमें ये अनुभव काफी बढ़ाता है क्योंकि पेशेंट अपने एक माइंडसेट से आता है। See, we respect everybody's knowledge, but then you need to understand, you need to respect somebody's knowledge who have been working for 25 years. और 25 years किस फील्ड में वर्क किया है? बीमारी को रिवर्स करना, बीमारी को क्योर करना, बीमारी को खत्म करना, कंट्रोल के नहीं, कंट्रोल के। चलिए मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं आपको पूछूं कि आप में से कितने लोगों को इलाज पता है, जैसे अजय कुमार ने बता दिया कि एंजाइम्स देंगे, एंटासिड देंगे, पेन किलर देंगे, इलाज सबको पता है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे आपको इलाज यही मिलने वाला है। तो फिर अब आप मुझे बताइए, जो इलाज आपको पता है वही मिलने वाला है, तो आपको डॉक्टर्स के इंटेलिजेंस का क्या फायदा हो रहा है? सोच के बताइए। आपको पहले ही यही इलाज पता है, आप जाके यही इलाज लेते हैं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको ये डॉक्टर्स के नॉलेज का क्या फायदा होता है? प्लीज बताइए। नहीं होता है, बिकॉज उन्होंने क्लियर लिख दिया है पहले सेंटेंस में कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। अब आपको समझना है कि आपको व्हीकल बदलना होगा, आप उसी व्हीकल में सवार है जो आपको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाता। मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी को मेडिकल स्टडीज करनी है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है, पॉसिबल है? मतलब डॉक्टर बनना है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली, और अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है कि उसको डॉक्टर बनना है।
है ना। तो आपने देखा कि आपको राइट व्हीकल राइट इलाज चुनना क्यों जरूरी है, बिकॉज आपका डेस्टिनेशन पहले वाले व्हीकल के ट्रैक पर रास्ते पर नहीं है, आपको कभी नहीं मिल सकता। और आपको सही में चाहिए तो यू हैव टू चेंज द व्हीकल। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में मेहनत करके डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भले टॉप कर लो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, वैसे ही आप एलोपैथिक साइंस में टॉप मोस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ बट आप ठीक नहीं हो सकते। वो सिस्टम ठीक करने के लिए बना ही नहीं है, वो कंट्रोल के लिए बना है। थोड़ा कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल, बेहतर कंट्रोल, बढ़िया कंट्रोल, लंबा कंट्रोल, छोटा कंट्रोल, लेकिन ओनली कंट्रोल। कंट्रोल से आगे वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। कितने भी टॉप के डॉक्टर के पास चले जाइए, आप यूएसए में चले जाइए, चलिए अभी यूएसए में पहुंच गए तो जो कोरोना ने पोल खोल करके रख दी उसकी भी बात कर लेते हैं। आज कोरोना वायरस ने सीधा सीधा आपको बता दिया, आपके कान में बताया, चिल्ला के बताया है कि सिर्फ आप उस मेडिकल साइंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो सादे वायरस से हार गया। आप देखेंगे जहां जहां पर मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड है वहां वहां इस वायरस ने सबसे ज्यादा विनाश किया है। पता है क्यों? क्योंकि ये वायरस ने विनाश करने के पहले उन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी का नाश किया है। जी हाँ, आप जब भी कंट्रोल करते हैं, जब भी सिर्फ कंट्रोल के लिए मेडिसिन लेते हैं, आप एक्चुअली अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर रहे हो, और ये इम्यूनिटी को खत्म करना आपको कभी भी आपको अच्छी हेल्थ नहीं दिला सकता। कमिंग बैक टू पैनक्रियाटिस एंड वो दैट पेशेंट, मैंने पिछले लाइव में ऐसी एक पेशेंट के बारे में बात शुरू की थी और वो खत्म नहीं कर पाया, तो मुझे कमेंट मिला सर वो पेशेंट के बारे में बताइए, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद मैंने कमेंट देखा तो इसलिए ये पेशेंट के बारे में बताए। तो फिर ये पेशेंट ने ही कोऑपरेटेड, उसे एक समझ में आ गया कि माइंड का और मेरे पैनक्रियाटिस का लिंक तो है, अभी लिंक है तो इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि अब तक जो किया उसका रिजल्ट तो जीरो आया ना, अब तक जो किया उसका रिजल्ट जीरो आया है, अभी कुछ नया करने का मौका मिला है तो चलिए कर लेते हैं एक बार। तो उन्होंने सोचा कि अभी कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद से उनका एटीट्यूड हमारे मेथड्स की तरफ थोड़ा चेंज हो गया। आई हैड बोथ इन सिटी स्कैन बट डिड नॉट गेट इन यूएसजी आफ्टर 2 मंथ्स। अजय कुमार, सिटी स्कैन और यूएसजी में जो चेंजेस दिखते हैं वो रिजल्ट है। ये देखिए यहां पे लिखा है, ये स्कैन और रिपोर्ट्स, ये सिर्फ रिजल्ट्स है अजय, इस पे फोकस मत कीजिए, बीमारी यहां पर है, बीमारी आपकी यहां पर है, जीन्स में है, डीएनए में है, माइंड में है, और कॉजेस में बीमारी होती है, यहां तो रिजल्ट दिखते हैं। अगर आपको सोनोग्राफी के पहुंच के बाहर वाले चेंजेस होंगे तो, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में हर चीज नहीं दिखती, माइक्रो लेवल पे हो तो अल्ट्रासोनोग्राफी दिखता ही नहीं है, अगर और उससे भी ज्यादा माइक्रो लेवल हो तो सीटी स्कैन में दिखता नहीं है, उससे भी ज्यादा माइक्रो लेवल हो तो एमआरआई स्कैन में दिखता नहीं है, लेकिन है वो वहां पर है, आपको दिख नहीं रहा। हमेशा दिखने पे मत जाइए अजय। चलिए मैं एक आपको चैलेंज करता हूं, अजय कुमार आपको आपने सीटी स्कैन भी किया है, सोनोग्राफी भी किया है, तो अजय मेरा एक सवाल है आपसे और सभी से सवाल है, जितने भी लोग ये दिखने वाली चीजों में विश्वास करते हैं, और आपको एक सीक्रेट बता दूं, कितने लोग करते हैं? 100% लोग सिर्फ दिखने वाले टेस्ट पर डिपेंड है पूरी तरह से। एंड ये कितना फेलियर थिंकिंग है मैं आपको अभी आपको बता देता हूं। सो अजय थैंक यू फॉर बीइंग सो एक्टिव एंड मैसेजिंग, और मेरा सभी से सवाल है, सिर्फ अजय से नहीं, अजय, श्वेता, अलू प्रकाशम, अभिजीत, सबसे सवाल है, मुझे डाउट है कि आपको माइंड है या नहीं है, मुझे डाउट है कि आपको माइंड है या नहीं है। आपका काम है कि प्लीज प्रूव कीजिए कि आपको माइंड है या माइंड आपको नहीं है। आपको ब्रेन है, आई नो ब्रेन आपको है, लेकिन माइंड है कि नहीं है मुझे डाउट है। सो प्लीज एवरीबॉडी प्लीज टेल मी हाउ यू विल प्रूव, आप कौन से स्कैन से प्रूव करेंगे कि आपके पास माइंड है, प्लीज लिखिए वहां पर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
आई वांट द आंसर फ्रॉम यू कि कैसे कौन से स्कैन से प्रूव करेंगे कि आपको माइंड है. सो आप देखेंगे ये प्रूव नहीं किया जा सकता. वैसे ही बहुत सारी चीजें इनविजिबल है बॉडी में जो प्रूव नहीं कर सकते लेकिन सबसे जरूरी है. चलिए आप बताइए क्या माइंड जरूरी है और जरूरी नहीं है? क्या माइंड जरूरी है या जरूरी नहीं है? सोच के बताइए. सो माइंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए ब्रेन तो कुत्ते को है, बिल्ली को है, सबको है. एवरीबडी इन द वर्ल्ड हैव ब्रेन, यू हैव माइंड विच यू कैन नॉट प्रूव. तो आप तो अपना अस्तित्व प्रूव नहीं कर पाए तो आप कहां पैनक्रियाटिस को ढूंढ रहे हैं? विजिबल चेंजेस आर मियर रिजल्ट. चलिए आपको एक और बता दूं, आप में सोचने की शक्ति है ऐसा मैं नहीं मानता, प्रूव कीजिए. चलो मैं ये भी नहीं मानता कि आप में आपकी बॉडी में कोई एक आत्मा है या लाइफ है. चलिए लाइफ है ये प्रूव कर दीजिए, आपके अंदर लाइफ है ये प्रूव कर दीजिए. आप कहेंगे सर हार्ट बीट हो रहा है, वो तो रिजल्ट है उसका. आप कहेंगे सर ब्रेन काम कर रहा है, वो तो रिजल्ट है. आप कह रहे मैं सुन रहा हूँ, वो तो रिजल्ट है. आप कहेंगे मैं चल फिर रहा हूँ, वो भी रिजल्ट है. मुझे लाइफ बताइए कहाँ है आपकी बॉडी में? आप नहीं बता सकते. सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है जिंदगी की, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये इनविजिबल है. वैसे आपको बता दो, दिस इज एक्चुअली इनविजिबल है. आप जो देख सकते हैं सिटी स्कैन में, सोनोग्राफी में, ये उसके मात्र विजिबल इफेक्ट्स है. सो इफेक्ट्स का इलाज करके कुछ नहीं होने वाला. इफेक्ट्स का इलाज करना मतलब फ्रूट्स का इलाज करना. अरे आप फ्रूट सारे तोड़ दो वापस वही फ्रूट्स आएंगे, सारे फ्रूट फिर से तोड़ दो वापस वही फ्रूट्स आएंगे. जितने बार आप फ्रूट तोड़ेंगे वो सारे के सारे वापस आएंगे, क्योंकि अगर रूट्स वही है तो फ्रूट्स कैसे बदल सकते हैं? इसलिए कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, इसलिए पैनक्रियाटिस भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप पूरा बिजी है रूट्स, पूरा बिजी है सॉरी फ्रूट्स को बदलने में बिजी है और रूट्स का आप कुछ नहीं करते. आप सीटी स्कैन करेंगे, आप एमआरआई स्कैन करेंगे, आप न्यूक्लियर स्कैन करेंगे, आप ब्लड टेस्ट करेंगे, आप 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करेंगे सारे टेस्ट करने में, जिसमें आपको कॉज के बारे में कुछ नहीं पता चलता है. बट आप रियल इलाज नहीं करेंगे, आप रियल इनविजिबल कॉज का इलाज नहीं करेंगे. अजय राइट, ट्रू, कंप्लीटली ट्रू, व्हाट एवर यू सेड आई एग्री विथ यू. और ये थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी, थैंक्स फॉर राइटिंग दिस. ये सबकी स्थिति है अजय, इट इज नॉट अबाउट यू. एवरीबडी इज इन दिस ट्रैप, इट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल ट्रैप. बिकॉज जो दिखता है आपको लगता है कि वही सही है, जो दिखता नहीं है वो ज्यादा पावरफुल है. चलिए जितने लोग ये दिखना और रिपोर्ट्स के चक्कर में है, आप बटन दबाते हैं और लाइट जलता है. आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी देखी है? आपने सिर्फ रिजल्ट देखा है ना. तो आज से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे पेमेंट करना बंद कर दीजिए. बोलना सर हमने इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है. या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा है किसी ने? नहीं देखा है, उसका मात्र रिजल्ट देखा है. तो मैं आपको ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अनलिमिटेड एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कॉमन सेंस कहता है कि ये जितना दिखता है ये सिर्फ रिजल्ट है, और वो भी माइक्रो रिजल्ट होंगे. तो प्रॉब्लम वहां पर है, लेकिन सोनोग्राफी और सिटी स्कैन उसको पकड़ नहीं पा रहा है, बस इतना ही डिफेक्ट बस. लेकिन बीमारी तो अंदर है. तो हियर आई कम टू द ट्रीटमेंट नाउ. तो अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस का सही में इलाज करना है तो ये रूट कॉजेस का इलाज करना होगा, ये रूट कॉजेस का इलाज करना होगा. अगर आप में बीमारी है तो आपके जीन्स में कहीं ना कहीं टेंडेंसी है, आपके डीएनए में कहीं ना कहीं उसके बारे में कोडिंग है, आपके माइंड में कोई ना कोई ट्रिगर आया है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर आया है, आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल कंसम्पशन लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर आया है, आपके डाइट में फूड फैक्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स आया है जिसने आपको पैनक्रियाटाइटिस दिया है. और आपको अगर पैनक्रियाटाइटिस को खत्म करना है, ये सारे कॉजेस और सारे ट्रिगर्स को हटा दीजिए, निकाल दीजिए. जस्ट इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई टेबल है जो आपको नहीं चाहिए, तो उस टेबल को अगर मतलब वो टेबल खड़ा है, आपको टेबल नहीं चाहिए,
तो उस पर आप एक कोई बेडशीट डाल दो, बड़ी प्यारी सी बेडशीट डाल दो, तो टेबल दिखना बंद हो जाएगा लेकिन गायब नहीं होगा, है ना। टेबल खड़ा रहेगा वैसे उतनी जगह लेगा वो, आप बेडशीट डाल दिए कवर हो गया, लोग बोलेंगे टेबल टेबल नहीं, टेबल नहीं है, गॉन गॉन, स्कैन में नहीं दिख रहा, सोनोग्राफी में नहीं दिख रहा, इट इज गॉन, इट इज नॉट गॉन डियर, इट इज कवर्ड। इस टेबल को वहां से खत्म करना है, इसके चारों पाव को काट दो, जिसके भरोसे ये टेबल खड़ा है उन कॉजेस को खत्म कर दो। वैसे ही आपकी बीमारी कुछ पाव पर खड़ी है, आपकी बीमारी के कुछ कॉजेस है जिस पे आपने काम करना चाहिए। पहला कॉज है जीन्स, दूसरा कॉज है माइंड, तीसरा कॉज है आपके बॉडी के अंदर जो पास्ट के ट्रिगर्स कलेक्टेड है उसका इंपैक्ट, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो जब तक आप, और चौथा है डाइट, तो माइंड जीन्स पास्ट डाइट लाइफस्टाइल के इफेक्ट्स और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब तक इतने सारे जो लेग्स है उस टेबल के आप खत्म नहीं करते, काटते नहीं है, तब तक तो टेबल वहां से गिरेगा नहीं। वैसे ही आपकी बीमारी, अगर आपने इसको रूट से आपके सारे पाव सारे कॉजेस पे एक साथ काम किया और इनको खत्म किया, तो ही आपकी बीमारी क्योर होगी, रिवर्स होगी। नहीं तो, कमिंग बैक टू डेफिनेशन, इट विल लीड टू द परमानेंट डैमेज आपके लाइफ में, आपके प्रीशियस बॉडी में। एक प्रीशियस ऑर्गन है पैनक्रियास, वो परमानेंट खत्म होने जा रहा है, परमानेंट डैमेज होने जा रहा है, क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप एंजाइम्स खा रहे हैं, आप पैनक्रियास के लिए पेन किलर ले रहे हैं, आप कुछ इंजेक्शन ले रहे होंगे ऑक्ट्राइड नाम के, लेकिन आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप एडमिट भी हो रहे हैं, आप लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है कि ठीक नहीं होने वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, द पैनक्रियास फाउंडेशन इज सेइंग दैट, द नेशनल पैनक्रियास फाउंडेशन इज सेइंग कि ठीक नहीं होने वाला। फिर क्यों उस व्हीकल में बैठे हो जहां पे गारंटी है कि आप ठीक नहीं होंगे? क्यों उस व्हीकल में बैठे हो जहां गारंटी है कि आपके मंजिल पे वो आपको नहीं पहुंचाएगा? क्यों ऐसे जगह ऐसे ही सिस्टम का इलाज कर रहे हो जो आपको कभी रिवर्स नहीं कर सकती, कभी क्योर नहीं कर सकती? मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हमारा एक ऐप है एडवांस हेल्थ, यही नाम से ये ऐप है, इसी लोगों के साथ है। आप उस ऐप को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड करके साइन अप कीजिए, और साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको 6 सेक्शन दिखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको नहीं दिखेगा, पहले माइंड ट्रांसप्लांट जो मैं चाहता हूँ आप कीजिए, फिर उसके बाद कुछ देर रुकिएगा, मेरी टीम यहाँ से चेंजेस कर देगी और वह माइंड ट्रांसप्लांट दिखना शुरू हो जाएगा। माइंड ट्रांसप्लांट में आपके लिए गिने चुने बहुत खास वीडियोस उसमें रखे हुए हैं, ये वन बाय वन देखना है, नीचे से शुरुआत करनी है और सारे वीडियोस देखने हैं। ये वीडियोस आपको हेल्थ क्या है ये समझाएंगे, डिसीज क्या है ये समझाएंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना उसका फॉर्मूला देंगे, इलाज कैसे होना चाहिए इसके बारे में बताएंगे, ये सारा आपको वहां पे पता चलेगा। दूसरा एक और हम अमेजिंग काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, एक हमने मास्टरमाइंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया फॉर जेनेटिक हेल्थ केयर मास्टरी। अगर आप में से कुछ लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहां लिखा है ज्वाइन जेनेटिक मास्टरी प्रोग्राम एंड वेबिनार। मात्र यूजुअली हम इस तरह के जो वर्कशॉप है, पर्सनल इंटरेक्शन है, इसके वर्कशॉप मिनिमम 5,000 से 10,000 रुपीज लेते हैं, बट लॉकडाउन ने थोड़ा समय दे दिया है, सोचा आपका फायदा किया जाए, इसलिए मात्र 500 रुपीज में ये हमने कुछ दिन के लिए ओपन किया है। सो अगर आप देखते हैं वहां पे ज्वाइन हेल्थ मास्टरी, वहां इंस्टा मोजो की लिंक है, उस पर जाके आप पेमेंट कर दीजिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां हम आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैं और मेरी टीम आपके साथ व्हाट्सएप पर पर्सनली आपको हेल्प करेगी और उसमें आपको एक अमेजिंग वेबिनार भी गिफ्ट में मिलने वाला है। वो वेबिनार भी एक हमारा जो जितनी हमारा टारगेट है उतने लोग होने के बाद हम वेबिनार भी आपको फ्री में गिफ्ट देंगे, सो वो भी आप कर सकते हैं। सो हम बहुत सारी चीजें करते हैं आपके लिए और ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इलाज तो हम कर लेंगे लेकिन आपका ब्रेन वॉश पहले आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले
कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो या कोई भी बीमारी हो, जब तक आप कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और कंट्रोल 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 कोई ज्यादा काम का तो आएगा नहीं। चलिए वापस पैनक्रियाटिस से बात करते हैं। पैनक्रियाटाइटिस का आप इलाज नहीं करते हैं, आप सिर्फ कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स देते हैं, तो आगे साइड इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं उसके बारे में भी, वैसे तो मैं इतने पेशेंट देखता हूँ कि मुझे देखने की अलग से जरूरत नहीं थी, बट मैं स्पेसिफिकली देख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फेवरेट साइड्स क्या कहते हैं इसके बारे में। सो कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। नेक्रोसिस मतलब पैनक्रियास का सड़ जाना, वेरी कॉमन। दूसरा, पैनक्रियास इज अ ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, मतलब वो पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला पाचक रसों से भरपूर ऑर्गन है, तो वो इतना डेंजरस है उसके पाचन शक्ति कि वो खुद को खा जाता है। इट इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। तो पैनक्रियास खुद को खत्म कर देता है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत डेंजरस है। फिर पैनक्रियास में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है, पैनक्रियाटिक हिमोरेज, ये एक और बहुत बड़ा रिस्क है। और पैनक्रियास के पेशेंट को आप रूटीन इलाज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको होने वाली है। फिर पैनक्रियास के पेशेंट को आगे चल के कैंसर में भी तब्दील हो सकता है, कैंसर में भी बदलाव आता है। मुझे पता है कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद आप बहुत सारा खर्चा करने वाले हो, आप 5 लाख भी खर्चा कर सकते हो, आप 10 लाख भी खर्चा कर सकते हो। समझदारी ये 5-10 लाख खर्चा करने में नहीं है, समझदारी आप 500 रुपए खर्चा करके एक राइट ग्रुप के साथ ज्वाइन होने में है। तो वो लिंक दी हुई है, आप उसमें ज्वाइन हो सकती है। और लिंक अगर आपको नहीं मिलती डिस्क्रिप्शन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन जेनेटिक हेल्थ मास्टरी प्रोग्राम एंड वेबिनार, सो आई कैन गिव यू द लिंक। सो लिंक ज्वाइन करके जुड़ जाइए। आज ही शाम से उस ग्रुप को हम एक्टिवेट करने वाले हैं, और आज रात में फिर से एक हम वेबिनार करने वाले हैं 8 बजे। जो वेबिनार रहेगा उसमें एग्जैक्टली आपको समझेगा कि बीमारी क्या होती है। ये रिपोर्ट बीमारी है? नो। ब्लड रिपोर्ट में लाइपेज बढ़ा हुआ ये बीमारी है? नो। तो बीमारी क्या होता है अगर आपको सही में समझना है तो जूम वेबिनार की एक लिंक दी हुई है, उस लिंक में आ जाइए 8 बजे। फिर से मिलेंगे हम उस वेबिनार के लिए। सो पैनक्रियाटिस के इतने जो साइड इफेक्ट्स है, इसके अलावा एक बड़ा डेंजरस इफेक्ट होता है। पैनक्रियाटिस का पेन इतना सीवियर होता है कि जो पैनक्रियाटिस वाला पेशेंट वही समझ सकता है, या जो डॉक्टर पैनक्रियाटिस के पेशेंट को दिल से इलाज करेगा बस वो समझ सकता है। मछली की तरह तड़फड़, जो तड़पना कहते हैं, वैसा दिखता है वो पेशेंट। तो चलिए मैं एक पेशेंट के बारे में बता रहा था, उसके बारे में कंप्लीट कर लेता हूँ। वो पेशेंट ने थोड़ा कॉपरेट करना शुरू किया, कॉपरेट करने के बाद हमने उसके माइंड के थ्रू पैनक्रियास में जाके जो भी चेंजेस करने थे चेंजेस किए, एंड शाम को पेशेंट का रेस्पॉन्स जो था बताता हूं आपको। पेशेंट ने कहा कि सर ऐसा कैसा हो गया? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, और मुझे पिछले 2 साल में, मैं अस्पताल में भर्ती रहा, मैंने गोलियां खाई, मैंने इंजेक्शन लिए, लेकिन आज तक मुझे ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया कि मुझे पेन नहीं है। कंप्लीटली आउट ऑफ पेन इन जस्ट 1 डे। क्या वो कंप्लीट ठीक हो गया है? नहीं। क्या वो कंप्लीट क्योर हो गया एक दिन में? नहीं। इसलिए हम 1 साल का प्रोसेस होता है हमारे पास बीमारी को रिवर्स करने का। लेकिन क्या वो आज बीमारी को रिवर्स करने के एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुका है? यस। जीरो पेन, एब्सोल्युटली जीरो पेन। और उस दिन से आज तक नो पेन। बीच में एक बार थोड़ा सा पेन आया था, अगेन गॉन। नो पेन किलर, नो एंजाइम, एवरीथिंग स्टॉप। दिस इज कॉल्ड द रियल ट्रीटमेंट। पेन किलर खाना, एंजाइम्स खाना, ऑपरेशन करना, वो स्टेंट डालना या फिर वो स्ट्रक्चर रिपेयर करना, ये कैसे इलाज हुआ भाई? ये सिर्फ वो इफेक्ट को मॉडिफाई करना हुआ बस। सो वो पेशेंट आज कंप्लीटली फ्री है। एंड ऐसे ही करीबन वी आर हैविंग प्रोबेबली मोर देन 30-40 पेशेंट्स ऑफ पैनक्रियाटिस विद अमेजिंग रिजल्ट्स, सुपर अमेजिंग रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज वी वर्क ऑन रूट कॉजेस, वी वर्क ऑन जीन्स, वी वर्क ऑन DNA, वी वर्क ऑन माइंड, वी वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल साइड इफेक्ट्स, वी वर्क ऑन द मेडिसिन बैड इफेक्ट्स। इतनी सारी चीजें करने के बाद ऐसे अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा पैनक्रियाटिस के बारे में। पैनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज ज्यादा उन लोगों को होता है जिनको पहले से ही एसिडिटी और रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे हो। पता है क्यों होता है?
क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम्स को दबाया आज तक, मतलब एसिडिटी हुई तो आपने क्या किया बताइए, सक्सेस बताइए, एसिडिटी हुई तो एंटासिड, फिर से हुई तो फिर से एंटासिड, ज्यादा हुई तो ज्यादा एंटासिड, मतलब आपने पूरी जिंदगी उस एसिडिटी को बस कंट्रोल करते हैं, दबाते हैं, फिर बीमारी अंदर जाती है, डीप जाती है, और वो डीप जाती है सीधा पैनक्रियास के ऊपर, पैनक्रियाटाइटिस कॉज करती है या फिर डायबिटीज कॉज करती है। आपको पता होगा कि पैनक्रियास में बीटा सेल्स का अगर इफेक्ट होता है तो डायबिटीज होता है, और अल्फा सेल्स का इफेक्ट होता है तो पैनक्रियाटिस होता है। सो पैनक्रियाटिस के लिए इस ये इतना ही, एक घंटे का वेबिनार हो चुका, एक घंटे का लाइव हो चुका है हमारा। आपसे रिक्वेस्ट कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये नॉलेज बहुत लोगों को पता होना चाहिए, मैक्सिमम फेसबुक ग्रुप में ये सब जाना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ व्हीकल उनके डेस्टिनेशन पे जाते ही नहीं है, और कुछ व्हीकल अगर डेस्टिनेशन पे जाते ही नहीं है तो वो व्हीकल को समय पर बदल देना समझदारी है। तो आज आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपका जो भी एलोपैथिक व्हीकल पे आप सवार है आपको वो बदलना होगा, और जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट का व्हीकल अपनाना होगा, यही एक रास्ता है आपको ठीक करने का। और अगर आपको ठीक करना है, अगर आपको ठीक होना है, हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप हमारे मास्टरमाइंड जेनेटिक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 500 रुपीज देके, या हमारे ऐप पर आ सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, और ये बहुत सारे ऑप्शन आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, बिकॉज ये वेबिनार के मास्टरमाइंड में लिमिटेड सीट्स है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे मिस ना करें। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के बारे में और जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि ठीक होना तो बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आपकी बेहतरीन लाइफ आपका इंतजार कर रही है, अगर आपको लगता है कि आपका एक बेहतरीन करियर आपका इंतजार कर रहा है, तो तुरंत मास्टरमाइंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और साथ में रात को 8 बजे वेबिनार में जरूर आइए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों लाइव पे आए, एक बार सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, डॉक्टर उज्ज्वला, मिस्टर अरविंद अलोने, डॉक्टर मीनल, मिस्टर समीर लोहिया, मिस्टर अरुण प्रकाशम, श्याम सुंदर, अभिजीत जामखिंडीकर, अजय कुमार, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अमेजिंगली एक्टिव, श्वेता कौशल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर हेमंत जायसवाल। इसके बाद जो लाइव है एक मेंटल हेल्थ के ऊपर है, एक कैंसर के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव को शेयर कीजिए, या मेरी जो पोस्ट है वो शेयर कीजिए, ताकि रेलेवेंट लोगों तक और सही लोगों तक ये लाइव पहुंच सके। एडवांस में ये वीडियो को बहुत शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम श्योर यू हैव लाइक दिस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लिखिए, सर थैंक यू सर, यू हैव लाइक्ड इट, आई हैव एंजॉयड, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस लाइव।